नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर है 2013 मॉडल पेट्रोल, और ये आफ्टर मार्केट से उसके अंदर सीएनजी भी फिटिंग है। तो इसमें कस्टमर कंप्लेंट है कि गाड़ी रेस नहीं हो रही है, मतलब जैसे भी अपन एक्सेलेरेट करते तो गाड़ी रेस नहीं हो रही है। और इस फॉल्ट को अपन ट्रेस करेंगे और क्लियर करेंगे। फॉल्ट एकदम छोटा है और उसको अपन पकड़ते हैं। मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर, और ये आफ्टर मार्केट सीएनजी फिटिंग है इसके अंदर। तो गाड़ी को एक बार मैं स्टार्ट ही करता हूँ। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दिया, आप यहाँ पे आरपीएम भी चेक कर सकते हैं। तो उसको मैं जैसा भी मैं रेस करूँगा तो अभी रेस हो रही है, लेकिन इसको एक बार वापस बंद करके ऑन करता हूँ मैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई, लॉन्ग सेल्फ लेके स्टार्ट होती है क्योंकि ये सीएनजी है तो थोड़ा बहुत आता है प्रॉब्लम। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है और देखेंगे ना, तो इसको मैं अभी एक्सेलेरेट कर रहा हूँ। ये अभी देखो पेट्रोल पे स्टार्ट है, और ये बाद जैसे भी थोड़ा टाइम के बाद जैसे भी एक्सेलेरेट करूँगा तो ये सीएनजी में कन्वर्ट, ये तो सीएनजी में चली भी गई। और इसको मैं एक्सेलेरेट कर रहा हूँ, ये देखो मैंने पूरा प्रेस कर दिया, पूरा पैडल प्रेस कर दिया, लेकिन ये जो रेस है यहाँ पे रुका है 2000 आरपीएम के उधर, इसके ऊपर जा ही नहीं रहा है। वापस एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, इसको पूरा पैडल को मैंने प्रेस कर दिया, पूरा दबाया पूरा, लेकिन यहाँ पे 2000 आरपीएम के ऊपर नहीं जा रही है। हालांकि इसको 5000 आरपीएम भी क्रॉस करना चाहिए। तो यही फॉल्ट है इस। तो अपन एक्सटूल PSA70 प्रो स्कैनर के ऊपर उसको एक बार स्कैन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या फॉल्ट है। गाड़ी को मैंने स्टार्ट ही रखा है। डायग्नोस इंडिया मारुति, इन सुजुकी ओल्ड मिनू स्विफ्ट डिज़ायर इंडिया, ओके ओके, सिस्टम सिलेक्शन और इंजन पावर ट्रेन, रेड ट्रबल कोड करेंगे। तो यहाँ पे जो फॉल्ट कोड शो हो रहा है P0335 क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर ए सर्किट। तो इस फॉल्ट को एक बार मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर ट्रबल कोड करेंगे सक्सेसफुली, रेड ट्रबल कोड नो ट्रबल कोड। और एक बार वापस इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, बंद किया था। स्टार्ट कर दिया मैंने और ये वापस एक्सीलेटर छोड़ दिया। और यहाँ पे आरपीएम 2000 के ऊपर ही रुका है। तो इसको रेड ट्रबल कोड करते, तो यहाँ पे जो फॉल्ट कोड शो हो रहे हैं वापस रिटर्न आ गया है P0335 क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर ए सर्किट। और तो इसका ऑलरेडी मैंने सब चेक किया है, तो आपको मैं डायरेक्टली फॉल्ट इसके ऊपर दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये रेस क्यों नहीं हो रही है। इसका मैं जो अल्टरनेटर के नीचे क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर लगा रहता है, वो सेंसर उसका ओके है और वायरिंग भी कार से कटी नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो आपको मैं दिखाता हूँ। आपको एक बार वापस दिखाता हूँ, रेस नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन पूरा छोड़ दिया है उसने और 2000 आरपीएम के ऊपर नहीं जा रही है। तो यहाँ पे इसका क्रैंकशाफ्ट
सेंसर का जो लोकेशन है अल्टरनेटर के नीचे, लेकिन उसका सेंसर भी ओके है और वायरिंग भी अभी मैंने चेक किया था। तो अपन आपको मैं डायरेक्टली फॉल्ट के ऊपर आते, ये आफ्टर मार्केट CNG है बिठाया हुआ यहाँ पे। तो ये इसका एडवांसर आता है, टाइमिंग एडवांस प्रोसेसर बोलते हैं इसको, पिकअप डब्बी भी बोलते हैं। तो इसका मैं सॉकेट निकालूंगा, इसको मैं साइड में करता हूँ। आप इमरजेंसी के लिए आप ये जो जो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप यूज़ कर सकते हैं प्रोसेस। अभी आप कभी रास्ते में फंस गए, आप गाड़ी आपको गैरेज तक लेके जाने का है या फिर वर्कशॉप में कंपनी में लेके जाने का है, तो आप टेम्पररी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मैंने सॉकेट यहाँ पे निकाल लिया और उसके साथ में कंपनी एक एक्स्ट्रा जो आफ्टर मार्केट CNG है वाले वो लोग देते हैं, यहाँ पे एक सॉकेट रहता है ब्लैंक, एक ब्लैंक सॉकेट रहता है। सॉकेट में है ना दो पिन एक्टिव रहती है, दो ही पिन रहती है अभी देखेंगे। तो इसमें मैं इसको लगाऊंगा और देखते हैं कि ये क्लियर हो रहा है क्या। जो रेस का प्रॉब्लम है वो क्लियर हो रहा है क्या। इसको मैंने कैंसिल कर दिया टेम्पररी, क्योंकि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और अब जैसे अभी आएगा तो मैं लगा दूंगा। या फिटिंग हो गया क्योंकि इसमें क्रैंकशाफ्ट का कनेक्शन रहता है। तो एक बार गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी हाफ सेल्फ में स्टार्ट होगी और पहले आप देखेंगे ना तो RPM भी उसका एक 1000 के ऊपर जाता था, लेकिन ये अभी प्रॉपर स्टडी है 800 के आसपास। और गाड़ी को मैं रेस करूँगा, अभी पेट्रोल में स्टार्ट होके CNG में भी चला गया, तो इसको मैं रेस करता हूँ। ये फुल एक्सीलरेट हो रहा है, देखो पहला ये 2000 के ऊपर नहीं जाता था। ये इसके अपना जो एडवांसर था इसके वजह से ये प्रॉब्लम था। तो इसका मैं एक बार रीड फॉल्ट कोड करता हूँ, तो यहाँ पे नो ट्रबल कोड है। और एक्सीलरेट करता हूँ मैं, जैसे भी मैं एक्सीलरेट करता था ये फॉल्ट वापस जनरेट होता था। यहाँ पे देखेंगे तो नो ट्रबल कोड, तो ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहेगा। जय हिंद दोस्तों।